इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे कि रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आईपीओ का जो है प्रोसेस रहता है, किस बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलता है, अंडर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी के अंदर बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट क्या होता है, डिसाइड कौन करता है आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइड स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा एचएनआई के ऊपर आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस पहले बात करते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट जो है बेसिकली कौन डिसाइड करता है। तो देखिए आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो रजिस्ट्रार यहाँ पे डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर मैं रजिस्ट्रार की बात करूं तो यहाँ पे मेजरली तीन मार्केट प्लेयर है हमारे इंडिया के अंदर, लिंकिन टाइम है, के फिनटेक है, बिग शेयर है। इवन अगर आप अपने आईपीओ का स्टेटमेंट स्टेटस भी अगर आप चेक करते हैं तो आप मोस्टली इन्हीं की वेबसाइट पे करते होंगे। बिग शेयर यहाँ पे मोस्टली जो है जितने भी एसएमईज आईपीओ होता है उनके साथ में डील करता है, लिंकिन टाइम और के फिनटेक जो है मेन बोर्ड आईपीओ के साथ में डील करता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन मोस्टली ये तीनों ही यहाँ पे मार्केट शेयर के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे आगे है। अब गाइस बात करते हैं कि अलॉटमेंट के यहाँ पे क्या रूल्स जो है एप्लीकेबल होते हैं रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए अलॉटमेंट जो है डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ दी शेयर्स आपने यहाँ पे ऑफर किया एज ए कंपनी, प्लस कितने यहाँ पे बिड जो है यहाँ पे रिसीव हुई है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर कैटेगरी के थ्रू। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, रिटेल हो गया, एनएनआई हो गया और क्यूआईबी की कैटेगरीज हो गई, तो सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे अलग होते, लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल हम लोग रिटेल कैटेगरी के बारे में ही बात करेंगे। साथ में गाइस यहाँ पे आपकी जो वैलिड एप्लीकेशंस होती है केवल वही कंसीडर की जाती है, यानी कि अगर कोई भी सेम पैन कार्ड नंबर से मल्टीपल एप्लीकेशन है तो डुप्लीकेट एप्लीकेशनों को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ में अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन जोन के अंदर बात करूं तो केवल उन्हीं एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जो कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर यहाँ पे अपने आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रार जैसे ही आईपीओ का अलॉटमेंट होता है एक बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करके पब्लिश करता है। जैसे अगर आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो जो भी आईपीओ का अलॉटमेंट यहाँ पे डिसाइड हो चुका होता है उन आईपीओ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको एक बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट दिखने वाला है। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर भी कंपनीज वगैरह जो है पब्लिश करती है। नॉर्मली ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिमांड कितनी है आईपीओ के अंदर, कितने शेयर का अलोकेशन किस रेशियो के अंदर बेसिस पे किया गया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। लेकिन ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है यहाँ पे पब्लिकली तभी बाहर आता है जैसे ही आपका अलॉटमेंट यहाँ पे डिसाइड होता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट का मेथड यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए अगर कोई भी आईपीओ अगर अंडर सब्सक्राइब है, वैसे मिनिमम 90% चाहिए होता है यहाँ पे किसी भी आईपीओ को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अगर आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है आईपीओ के अंदर अप्लाई किया होगा फुल अलॉटमेंट यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस है। अगर किसी ने एक लॉट अप्लाई किया है, दो किया है, पांच किए, दस किए, अंडर सब्सक्राइब अगर कोई भी आईपीओ है तो वहां पे आपको डेफिनेटली सारे जितने भी आपने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लॉट साइज जो है मिलने के डेफिनेटली चांसेस है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी के अंदर, मान लीजिए एक कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ और एक कैटेगरी के अंदर अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो उस केस में यहाँ पे ये भी रूल है कि आप जो है एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, केवल जो क्यूआईबी की कैटेगरी है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है वो एक दूसरे से यहाँ पे सेट ऑफ हो सकती है। साथ में अगर ओवरऑल पूरा ही आईपीओ यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस केस में कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पे अलॉटमेंट होता है, और एचएनआई और एनएनआई कैटेगरी वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब जो ओवर सब्सक्राइब होता है उसमें भी दो टाइप की सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे आपका स्मॉल है, जैसे अगर मैं पेटीएम का केस लूँ, एलआईसी का केस लूँ, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो आईपीओ जो है ओवर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी के अंदर गए थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं गए थे। इसी कारण की वजह से जिन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था एटलीस्ट उनको एक एक लॉट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो प्रोरेटेड बेसिस के ऊपर होता है, और यहाँ पे अगर लेट सपोज किसी ने चार लॉट के लिए अप्लाई किया है तो उसको स्टिल यहाँ पे एक लॉट आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब जो आईपीओ है अगर वो बहुत ही ज्यादा है तो टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दू, मान लीजिए यहाँ पे 10 इन्वेस्टर ने जो है इस टाइप से क्वांटिटी यहाँ पे अप्लाई की, एक इन्वेस्टर ने एक यहाँ पे जो है लॉट के लिए अप्लाई किया, सेकेंड ने यहाँ पे दो लॉट लगाए हैं, सातवें नंबर ने यहाँ पे चार लॉट लगाया है, तो मान लीजिए टोटल 29 जो है क्वांटिटी मेरे पास आ रखी है लेकिन मेरे पास जो देने के लिए वो केवल 5 क्वांटिटी है। तो भाई उस केस में यहाँ पे प्योरली जो है कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम निकलेगा। मान लीजिए इन्वेस्टर एक ने जो है एक लॉट के लिए अप्लाई किया था, उसको कोई भी नहीं मिला,
जिसने दो के लिए अप्लाई किया था उसको एक मिला, जिसने तीन के लिए अप्लाई किया था उसको एक मिला, और किसी ने अगर तीन के लिए भी अप्लाई किया था तो उसको जीरो मिला। तो ये टोटली आपके लक के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस बेसिस पे मेरे को यहाँ पे आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है। तो अगर मेरे पास में क्वांटिटी सिर्फ पांच है तो इस पांच क्वांटिटी को 10 इन्वेस्टर के बीच में कंप्यूटराइज तरीके से लॉटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि अलॉटमेंट का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है। तो पहले यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास में आईपीओ की एप्लीकेशन आती है, डेटा आता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे यहाँ पे पूरा इशू कंप्लीट होता है। उसके बाद में आईपीओ की जितनी भी एप्लीकेशन है उसका वैलिडेशन होता है, उसके अंदर सारी इनवैलिड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ में फाइनलाइज किया जाता है बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद में जिनको भी अलॉटमेंट रिसीव हुआ है उनको ईमेल और एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है, जिनको नहीं भी मिला उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। प्लस इन्वेस्टर भी जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो बैंक और डिपॉजिटी सीडीएसएल एनएसडीएल सबको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनको भी अलॉटमेंट हुआ होता है उनका अमाउंट डेबिट कर लिया जाए, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका ब्लॉक अमाउंट यहाँ पे अनरिलीज किया जाए। अब गाइस बात करते हैं कि आपको पता लग गया कि कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू ही अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आईपीओ तो उस केस में मेरे को कोई भी यहाँ पे जो है मैं मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकता, प्योरली मेरे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपने आईपीओ के अलॉटमेंट यहाँ पे इंक्रीज करने तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तीन टिप्स आपको देना चाहूंगा। आप चाहे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम एक लॉट जो है अपने फैमिली अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली के अंदर पांच मेंबर हैं तो आप पांचों के नाम पे एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं सिंपली तरीके से, जीरो ओपनिंग और जीरो एएमसी के साथ में। हमारे इंडिया के अंदर कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे आप जीरो कॉस्ट में ओपन कर पाएंगे। साथ में अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है भीड़ है तो उस टाइम पे आपको एचएनआई कैटेगरी भी चेक करनी चाहिए, लेकिन एचएनआई कैटेगरी के लिए 2 लाख से ऊपर का आपका बजट होना चाहिए। साथ में अगर यूपीआई मैंडेट जो है आपको प्रॉपरली अपडेट करना है, मैंडेट करना है, अगर ये नहीं कर पाते तो बेस्ट तरीका है नेट बैंकिंग के थ्रू आप एएसबीएफ फैसिलिटी के थ्रू भी यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई भी मैंडेट नहीं करना पड़ता और इंस्टेंटली आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो आईपीओ का अलॉटमेंट जो है कंप्लीटली कंप्यूटराइज बेस पे होता है। बहुत ही ज़्यादा अगर ओवर सब्सक्राइब है तो टोटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उस केस में आपको एक लॉट मिलने के चांसेस होते हैं प्रोरेटेड बेसिस पे यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होता है। तो मेक श्योर कीजिए अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कीजिए, अपने फैमिली नंबर के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, और अलग अलग पैन नंबर के थ्रू आप जो है मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल सपोर्टेड लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमारे एचएनआई वाले वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।